मैं खड़ा हूं इस समय पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के मुल्लापुर तिड़ा गांव में, जो स्टेडियम बन रहा है वहां पर, कि जनवरी में भारत और अफगानिस्तान के बीच जो T20 मैच होगा क्या वो स्टेडियम में होगा और IPL क्या यहीं होगा। पहली बात करता हूं इस रास्ते की। ये जो आप मेरे पीछे रास्ता देख रहे हैं ये वो रास्ता है जहां से टीम इंडिया इस स्टेडियम में एंट्री करेगी। अब आपको लेके चलते हैं प्रैक्टिस पिचेस, जहां पे मेहमान टीम हो, टीम इंडिया हो, भारत की टीम हो, वो प्रैक्टिस करेगी। तो आइए उस एरिया में आपको लेके चलता हूं। ये है नेट सेशन एरिया। जी हां, यहां पर 12 पिचें बनने जा रही हैं। ये होगा गेट है, यहां से टीम आएगी और ये आप रास्ता जो देख रहे हैं सारा, ये एंट्री गेट है और यही आपका सेशन। साथ ही बिल्कुल इसके आपने जो ग्राउंड खाली है मैं दिखा रहा हूं आपको, यहां पर होगा नेट सेशन। अब आपको दिखाते हैं सामने ये गेट। पहले आपने देखा ये जो रास्ता है, अब ये रास्ता कहां खुलेगा वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए कि ये गेट खुलेगा बिल्कुल फ्रंट, जहां से एंटर करेगी टीम और आपको मैं अंदर ड्रेसिंग रूम भी दिखाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ और हमारे साथ होंगे PCA के सचिव दिलशेर खन्ना। दिलशेर जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। दिलशेर जी तो आप दिखाते रहिए साथ साथ कि ये एंट्री गेट है जहां से टीमें आएंगी। ये टीम की एंट्री गेट है जी, टीम का एक स्पेशल गेट है, वो टीम की बस सीधा उस रास्ते से इधर तक आएगी पवेलियन पे और यहीं पे उतरेगी। उनको जो बाकी स्पेक्टेटर्स का गेट है उसके थ्रू नहीं आना पड़ेगा। ये बड़ी खासियत है कि जो हमें आपको रास्ता बार बार दिखाया इसलिए बता रहे हैं कि ताकि जो एंट्रेंस है, देखिए PCA से अलग हटकर ये स्टेडियम है, तो आपने एंट्री पॉइंट के साथ ही, क्योंकि हमने अभी पिचेस भी देखी दिलशेर जी, ये प्रैक्टिस पिचेस आ रही है। ये प्रैक्टिस पिचेस आ रही है, ये संभावना है कि विद इन 1 महीने के अंदर अंदर ये तकरीबन कंप्लीट हो जाएंगी। इसका सारा डिजाइन वगैरह फाइनल हो चुका है और ये प्लेयर्स पवेलियन के सामने से रखी ताकि प्लेयर्स को ज्यादा बाहर ना जाना पड़े। ये बहुत खास बात है। और ये जो एंट्री आप गेट देख रहे हैं ना हमारा आ रहा है, यहाँ से ही टीमें आएंगी। आप ये दो गेट हैं, दो टीमें बस यहाँ पे रुकी जहाँ हम अभी खड़े थे और यहाँ से टीम इस तरह से अंदर आई। टीम से ये प्लेयर का पवेलियन है जी, ये सिर्फ प्लेयर्स यहाँ आएंगे और कोई नहीं आएगा। प्लेयर्स और मैच ऑफिशियल उनका भी ऊपर है, दोनों ड्रेसिंग रूम साइड पे हैं। मैच ऑफिशियल और ACSU ऑफिशियल जो एंटी करप्शन वाले हैं वो उनका बीच में है, तो उनके लिए ये लिफ्ट्स भी उनकी हैं, ये पवेलियन भी उनका और यहाँ पे कोई नहीं आएगा। ये टीम, हाँ जी, ये टीम्स की लिफ्ट्स, हाँ ये टीम की लिफ्ट है। आप ये देखिए कि पर्टिकुलर सिर्फ एरिया प्लेयर्स मैच ऑफिशियल्स के लिए होगा। और अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि जो ड्रेसिंग रूम है मोहाली में, हमने बड़ी बार देखा हम आप बैठे हुए उस ड्रेसिंग रूम में, वो ड्रेसिंग रूम और यहाँ के जो ड्रेसिंग रूम है जमीन आसमान का अंतर है। कहिए 3BHK टाइप होगा, तो आपको बहुत बड़े हैं जी, अभी दिखाएंगे आपको। और उनका प्लेयर्स का जिम भी ऊपर है, यहाँ से सीढ़ियों की एंट्रेंस है, वहाँ से लिफ्ट आ गई है जी। अब आप देखेंगे कि इस साइड इंडियन टीम का ड्रेसिंग रूम होगा, इस साइड विजिटिंग टीम का होगा, बीच में ACSU और मैच ऑफिशियल्स की सीटिंग है। इन ड्रेसिंग रूम अप्रोक्सीमेट एरिया इनका 3,000 square feet है, ड्रेसिंग रूम का 3,000 square feet। देखिए मैं तभी बात एक एक ड्रेसिंग रूम का, एक ड्रेसिंग रूम का, एक ड्रेसिंग रूम के एरिया 3,000 square feet होगा, तो सोचिए आप कितना बड़ा ड्रेसिंग रूम है। ये है वो ड्रेसिंग रूम जिसे टीमें यूज किया करेंगी, एक तरफ भारत टीम होगी, मेहमान टीम यूज करेगी जी। तो इस ड्रेसिंग रूम में आप देखेंगे यहाँ, इसी ड्रेसिंग रूम में इन टीम्स का खाना आएगा, इसी ड्रेसिंग रूम में उनका फिजियोथेरेपी का रूम है, वॉशरूम, शावर्स, आइस बाथ, सोना, स्टीम, वो सब इधर ही है। यहाँ पे सीटिंग भी होगी बीच में और इसी ड्रेसिंग रूम से बाहर को आप बैल्कनी की तरफ भी जा सकते हैं, जहाँ पे बाहर सीटिंग होगी अगर आप ग्राउंड के पास नजदीक बैठना चाहें। ये देखिए 3,000 square feet का एक ड्रेसिंग रूम है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ऑफ कोर्स ये सारा एयर कंडीशन होगा, सेंट्रली एयर कंडीशन। ये बाहर बैठने की जगह है प्लेयर्स के लिए, जहाँ से इनको व्यू मैच का होगा। सबसे विजय जी एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जैसे हम आए तो हमें लगा कि अलग दुनिया में एंट्री है। बिल्कुल जी, अब आप देखिए अभी बाहर अंधेरा हो चुका है बट हम अभी लाइट्स की रोशनी में हैं। क्या बात। तो और ये आप देखेंगे ये जो सीटें हैं जी, आप सोच सकते हैं कि ये कितनी अच्छी सीटें हैं साथ में लोगों के हिसाब से अपनी सीटिंग जो चेयर्स हैं वो की हैं जी। सारा लोअर लेवल जो है वो ऑरेंज है, बाकी ऊपर PCA का ब्लू और PCA का गोल्डन कवर किया है। सीटिंग हमारी सारी कंप्लीट है, बॉक्सेस के बाहर भी लग चुकी है, सिर्फ 6 या 7 बॉक्सेस है जिनके सामने कुछ अलग क्रम की सीटिंग लगनी है, ये वाले उस वो रह गए हैं, अदर देन दैट बन गए हैं। 2 lounges क्रिएट किए जा रहे हैं जी, एक level 1 पे और एक level 2 पे, जिसपे 100-100 लोगों की कैपेसिटी होगी। तो देखिए स्क्वायर फीट बार बार कह रहा हूँ कि इतना बड़ा ड्रेसिंग रूम, आप देखिए ये अंदर आपने सीन दिखाया और उसके साथ ही दूसरी टीम का जो ड्रेसिंग रूम है सेम इस तरह ही लॉबी है, प्लेयर्स बाहर बैठ के, क्योंकि सेंट्रल AC होगा और बाहर बैठ के मैच देखेंगे। और रास्ते से पेवेलियन का रास्ता जो होगा वो भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए जी आपने एक बड़ा एक डिजाइन हमने बात की थी, कहा था ना कि लॉर्ड्स वाला एक लुक है ना
थोड़ा सा आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा वही फीलिंग है जी कि आप जा रहे हैं यहाँ से नीचे, ये प्लेयर यहाँ से इस तरह से अपने ड्रेस मोटेरा में भी वैसे यही है। आपने डिजाइन मोटेरा का? हाँ जी बिल्कुल। तो ये मैं आपको बता दूं कि ड्रेसिंग रूम से प्लेयर निकले और ये रास्ता होगा पेवेलियन रास्ता जो हम कहते हैं ग्राउंड पे जाने का। आप भी मैच देखने आएंगे तो आप एक बार दिखा दें हम दर्शकों को कि ये प्राइम सीट्स होंगी। देखिए बिल्कुल प्लेयर्स पेवेलियन के नीचे, प्लेयर्स पेवेलियन के नीचे पीसी हमेशा टेरेस ब्लॉक वो आपका मेरे ख्याल वो भी यहाँ पे भी वही है जी। आप देखेंगे ये टेरेस ब्लॉक का ही एक एक्सटेंशन है। ओके इसमें एडवांटेज ये है कि शायद पिच से लाइन में नहीं है, थोड़ा सा हटकर है, बट ये प्लेयर्स के साथ है। ये बहुत एरिया कहने वाला कि जो ये सीट्स होंगी ये बहुत एक आपकी प्राइम सीट्स होंगी। देखिए बिल्कुल पेवेलियन के बिल्कुल साथ की ये सीट्स हैं और पूरा अगर इसको आप देखें राउंड शेप में तो यहाँ वाले जो दर्शक होंगे या बैठेंगे वो अपने आप में फील करेंगे कि बिल्कुल नजदीक से। ये पिंक स्टेयरकेसेस ये टेम्पररी अरेंजमेंट था जी, यहाँ एक रणजी ट्रॉफी का मैच शेड्यूल है उसके लिए, बट ये हट जाएंगे अभी क्योंकि बीच वाले में काम हो रहा है। स्क्रीन आ रही है जी दो बड़ी बड़ी, एक 70x25 की 6500 विजन लेवल की एक वहाँ पे आ रही है और एक 20x25 की यहाँ पे आ रही है जहाँ पे मैनुअल स्कोर बोर्ड है ऊपर। तो फ्लड लाइट देखिए जग चुके हैं स्टेडियम की। आप जिस काम के लिए हम आए थे ना, मैंने कहा था कि यार फ्लड लाइट में क्योंकि शाम का समय है और क्योंकि ये एक गांव के अंदर स्टेडियम है, थीड़ा गांव है, यहाँ पे आपको लगता है कि टेम्परेचर सर्दी की बात करें थोड़ा सा शहर से तो अलग हो गई होगा? जब ये शुरू हुआ था जी तब गांव था, अब तो यहाँ पूरी आबादी है। बिल्कुल आसपास है, एरिया गांव का बढ़ता है लेकिन पूरा आसपास डेवलप है क्योंकि न्यू चंडीगढ़ से कहा जाता है। अगर आप देखेंगे तो मून दिख रहा है आपको सामने, क्या बात है, सही बात है। फ्लड लाइट में हम खड़े हैं, ये जो लाइटें हैं जी ये जो स्पेसिफिकेशन लाइटों की यहाँ लगी है वो अभी हिंदुस्तान में और कहीं पे नहीं है। अच्छा। ये जो लेटेस्ट लाइट्स हिंदुस्तान में लगी हैं उससे भी एक वर्जन ऊपर है। ये 6 पोल हैं टोटल, 6 पोल हैं टोटल, बट मैं जो लाइट लैंप की बात कर रहा हूँ वो लैंप अभी हिंदुस्तान में अभी और कहीं पर नहीं है। ये सुन लीजिए अहम बात है कि जो यहाँ पर अभी ये फ्लड लाइट्स आप देख रहे हैं ये शेयर जी बता रहे हैं क्या खास है? लेटेस्ट वर्जन है, मतलब इसी कंपनी की लाइटें इस लेवल की लगी हुई हैं, बट ये लेटेस्ट वर्जन है उन लाइटों का क्योंकि अभी रिसेंटली लगा है। तो वो एमिंग वगैरह कंपनी करके एमिंग वगैरह हो गई है जी, सब हो गया। इसका बीच में पिच लेवल पे लक्स लेवल रहेगा 3000, 30 यार्ड पे रहेगा 2500 और चलते हैं आइए और आउटर फील्ड पे रहेगा 2000 जो टोटल 4K प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है। देखिए दिल कर रहा है जब स्टेडियम के अंदर आ जाओ तो शेर जी मुझे लगता है खेलना पड़ेगा हमें जरूर। और ओस तो ठीक है उमेश जी, बट अगर कभी यहाँ पे गीला हो गया, बारिश पड़ गई बहुत तेज, तो सिर्फ 15 मिनट खेल रुकेगा क्योंकि यहाँ पे हेरिंग बोन इरिगेशन सिस्टम आपने बताया था और जो 15 मिनट में सारा ग्राउंड साफ। और हम पहली बारी अपने प्रैक्टिस पिचेस में और हमारा एक ग्राउंड भी है जो प्रैक्टिस ग्राउंड है उसमें हम रेड सॉइल की पिचेस भी बना रहे हैं जो अभी तक पीसीए के पास नहीं थी। यहाँ पे कितनी कैपेसिटी का ये मीडिया बॉक्स है? अप्रोक्सीमेटली 200 जी, 200 to 250 एंड प्लस मीडिया का रिफ्रेशमेंट्स, मीडिया का खाना सब उधर से होगा, साथ में ही आपके ब्रॉडकास्टर्स का एरिया और ब्रॉडकास्टर्स जहाँ से बैठेंगे वहाँ से उनको एक टनल भी बना दिया गया जहाँ से दे हैव डायरेक्ट एक्सेस ग्राउंड। ओके और इसकी कैपेसिटी ग्राउंड की सिटिंग कैपेसिटी? टोटल ग्राउंड की सिटिंग कैपेसिटी अराउंड 33,200 के करीब, कुछ कुर्सियाँ अभी जहाँ जहाँ में लगा कुछ एडिशनल लग सकती हैं वो लग रही हैं, फाइनल काउंट हम आपको इस महीने के एंड तक बता देंगे, बट रफली 33,000। वो एक कंट्रोल रूम बनाया गया जहाँ से पूरा मैच कोऑर्डिनेट होगा। दिखा दीजिए कि वो कंट्रोल रूम जो पुराने स्टेडियम में भी नहीं था। ये पुलिस कंट्रोल रूम कम पीसीए कंट्रोल रूम होगा जहाँ से सारे ग्राउंड की और सिक्योरिटी की मैनेजमेंट भी हो सकती है। आईपीएल के लिए तैयार है स्टेडियम जी? पंजाब किंग्स के लोग भी आ चुके हैं, 2-3 बारी देख चुके हैं, वो भी तैयारी से सहमत हैं और सेटिस्फाइड हैं, उन्होंने कुछ अपनी सजेशन दी हैं तो वो भी हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। अब ये एक ऑफिशियल फाइनल सर्वे होगा जिसके बाद ये स्टेडियम अप्रूव हो जाएगा, तो उसकी हमने कार्रवाई शुरू कर दी है अपनी तरफ से जी, हमने अपनी तरफ से शुरू कर दिया। अब हम बीसीसीआई को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी टीम जल्द से जल्द भेज दीजिए। पूरा एंटरटेनमेंट का इंतजाम है, क्रिकेट वाकई एंटरटेनमेंट है और लेकिन स्टेडियम और एसोसिएशंस अपनी तरफ से भी बहुत इंतजाम करती हैं। क्राउड एंगेजमेंट बहुत बड़ी चीज है जी, होनी चाहिए और जो आदमी या लेडी या बच्चा मैच देखने आ रहा है आफ्टर स्पेंडिंग सो मच मनी तो उनको कोई एंटरटेनमेंट भी। अच्छा याद आया क्राउड से दिलशेर जी कि जब क्राउड आएगा तो जैसे हम पीसे में देखते हैं कि वो स्टॉल्स लगते हैं उनके एक बना हुआ पुराना, यहाँ पे क्या कुछ अलग सिस्टम है, किस तरह से क्राउड आएगा यहाँ पे? एक्चुअली जी पीछे आप देखेंगे हर स्टैंड के पीछे बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपके लिए स्टॉल भी लग सकेंगे, आपके क्राउड एंगेजमेंट कियोस्क भी लग सकेंगे, आईपीएल में फैन एंगेजमेंट सेंटर भी लग सकेंगे, तो उस सबके लिए बहुत एडिक्वेट जगह है स्टेडियम में।
जो जो हमने पीसीए में मिस किया वो हमने यहाँ इनकॉर्पोरेट किया। तो चलिए जल्दी से नामकरण हो जाए, तैयार है स्टेडियम, आईपीएल के लिए तैयार है, ये बड़ी खबर है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको, नए स्टेडियम की हमने झलक दिखाई, हर एक को कोना दिखाया, टीम की एंट्री दिखाई, रास्ता दिखाया, 16 गेट हैं, तमाम जानकारी दी। बड़ी खबर ये है भारत और अफगानिस्तान के बीच मैच मोहाली में होगा, लेकिन आईपीएल जो है 2024 वो इस नए स्टेडियम में होगा, ये बड़ी खबर है। बने रहिए न्यूज़18 के साथ, मुझे दी इजाजत, धन्यवाद।